अब बैग कंटेन्स फाइव रेड बॉल्स, एक बैग है जिसमें फाइव रेड बॉल्स हैं और इसमें ब्लू बॉल, पता नहीं लाइक मान लिया एक्स है, ठीक है। इफ द प्रायोरिटी ऑफ द ड्रॉइंग ऑफ ब्लू बॉल, तो ब्लू बॉल की प्रायोरिटी क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल फॉर्मूला, टोटल फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो यहां पर बच्चे प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल कैसे निकालोगे, फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल मतलब कितनी टोटल क्वांटिटी है इसके अंदर, 5 एंड यहां पर x, तो 5 प्लस एक्स और टोटल आउटकम, तो टोटल आउटकम कितना है, 5 प्लस एक्स है। अब ब्लू बॉल कितनी है, ब्लू बॉल की प्रायोरिटी, तो ब्लू बॉल तो x है दिस वन, तो ये तो प्रायोरिटी होगी। अब प्रायोरिटी ऑफ रेड बॉल, तो रेड बॉल कितने हैं, 5 एंड टोटल आउटकम कितने होंगे, 5 प्लस एक्स दिस वन। अब दोनों के अंदर कंपैरिजन है क्या, इफ द प्रायोरिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल इज अ डबल, ठीक है, ब्लू बॉल x अपॉन 5 प्लस एक्स इसकी प्रायोरिटी और प्रायोरिटी ऑफ रेड बॉल 5 अपॉन 5 प्लस एक्स इसकी प्रायोरिटी, ये डबल है, कौन, ये डबल है इसका, तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 2:1 है, क्लियर है बच्चे, रेशो दिया ना ये डबल है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना कि भैया ये चीज इसका जो रेशो है ये 2:1 है, तो 2:1 दिखा दिया मैंने, x अपॉन 5 प्लस एक्स अपॉन 5 अपॉन 5 प्लस एक्स इक्वल्स टू 2:1, तो 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स अपना क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो x अपॉन 5 इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू क्या हो गया, 10। तो नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स कितने हैं, तो द नंबर ऑफ द ब्लू बॉल्स इज इन द बैग इज x मीन्स 10, 10 इसका आंसर है, ठीक है। अ बॉक्स कंटेन्स 12 बॉल्स आउट ऑफ विच x आर ब्लैक, चलो करोगे आप इसको, कर लो, ट्राई कर लो, पहले क्वेश्चन में बता देता हूं फिर भी क्या है, एक बैग है, टोटल आउटकम्स इसमें, टोटल आउटकम्स ही गिवन है 12, आ कंटेन्स 12 बॉल्स आउट ऑफ विच एक्स रेड एक्स आर ब्लैक, इसमें से कितने हैं, ब्लैक एक्स है। इफ वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स व्हाट इज द प्रायोरिटी दैट विल बी द ब्लैक बॉल, इफ द 6 मोर ब्लैक बॉल्स आर पुट इन द बॉक्स द प्रायोरिटी ऑफ द ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल इज नाउ डबल ऑफ व्हाट इज वॉज द बिफोर, क्लियर है। तो इस समय तो भैया पहले डालने से पहले इसकी प्रायोरिटी कितनी है, इसकी भैया अभी x अपॉन 12 है ब्लैक बॉल की प्रायोरिटी, क्योंकि भैया ब्लैक बॉल x है इसके अंदर और टोटल आउटकम्स आपके 12 है। अब मैंने 6 ब्लैक बॉल डाल दिए, तो 6 ब्लैक बॉल डाल दिए तो मेरे पास नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स कितने हो जाएंगे, x प्लस 6 हो जाएंगे इसमें, और टोटल आउटकम भी 12 नहीं रहेगा, ये भी बढ़ेगा 6 से। आप क्या कह रहे हैं, इफ 6 मोर ब्लैक बॉल्स आर द पुट इन द बॉक्स द प्रायोरिटी ऑफ अ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल इन अ नाउ द डबल ऑफ पहले, ये जो है अब बारह डबल हो जाएगा पहले से, समझ में आई कहानी क्या थी, पहले तो भैया एक्स ब्लैक बॉल आउट ऑफ 12 तो इसकी प्रायोरिटी एक्स पर 12 हो जाएगी, अब क्या हो गया 6 ब्लैक बॉल डाल दिया तो ब्लैक बॉल जो जितने नंबर्स थे उसमें एक्स ऐड हो जाएगा और टोटल जो आपके आउटकम्स था वो भी पहले से 6 ज्यादा हो जाएगा। अब इनकी प्रायोरिटी का रेशियो क्या है, ये डबल है इसका, तो अब सॉल्व करेंगे एक्स अपॉन 12 इक्वल्स टू नीचे ले जाकर मल्टीप्लाई जाएगा ना क्रॉस, 12 प्लस 6 अपॉन एक्स प्लस 6, पता लगा कैसे आया ये, देखो आप रेशो ले रहे हैं, रेशो मतलब डिवीज़न, x प्लस 6 अपॉन 12 प्लस 6 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2, एक्स अपॉन 12 इन टू 12 प्लस 6 अपॉन
एक्स प्लस सिक्स इक्वल्स टू 1/2। सॉल्व करेंगे अगर आप बच्चे तो आपके पास पे क्या आएगा रिजल्ट, पहले न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करेंगे 12x प्लस, अच्छा उसको छोड़, ये 18 हो गया, 18x अपॉन 18 अपॉन 12x प्लस 6 इक्वल्स टू 1/2। 6, 3 एंड 2 तो क्या आया आपका 3x अपॉन 2 से 2 कैंसिल अपॉन एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू 1 एंड 3x इक्वल्स टू एक्स प्लस 6 एंड 2x इक्वल्स टू 6 एंड x इक्वल्स टू 3। तो पहले कितने ब्लैक बॉल थे आपके, 3 थे। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, क्या आंसर है, 3 इसका आंसर है। क्लियर है बच्चे, सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हो आंसर, ये गलत बात है आपकी। टोटल आउटकम्स क्या है, 24 एंड सम आर ग्रीन, और प्रोबेबिलिटी किसकी दिया हुआ है, ग्रीन की। तो लाइक मैं मान कर लेता हूं नंबर ऑफ ग्रीन, नंबर ऑफ ग्रीन क्या है इसमें, x है। क्लियर है बच्चों, और उसके बाद फिर आपके पास में एंड रेस्ट ऑफ क्या है, ब्लू, नंबर ऑफ ब्लू। तो टोटल में से दो ही टाइप के हैं ग्रीन ब्लू, तो ग्रीन माइनस कर दो तो ब्लू हो गया। इफ अ मार्बल इज अ ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम जार, द प्रोबेबिलिटी दैट इज द ग्रीन, ग्रीन की प्रोबेबिलिटी गिवन है, तो ग्रीन कितना है आपके पास में, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, ग्रीन कितना है आपके पास में, एक्स आउट ऑफ टोटल आउटकम्स, ये प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है, कितना गिवन है आपके पास में आपको, ये 2/3 है। सॉल्व करेंगे 3 8 24 और एक्स इक्वल्स टू पी इक्वल्स टू एंड एक्स इक्वल्स टू कितना आ गया 16। क्लियर है बच्चे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऐसे लिखेंगे ग्रीन इक्वल्स टू एक्स अपॉन 24 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन गिवन है आपको क्या है, 2/3 इक्वल्स टू एक्स अपॉन 24। सॉल्व करेंगे 8 एंड एक्स इक्वल्स टू क्या आ गया आपका 16। और ब्लू बॉल्स कितने हैं, 24 माइनस 16, तो 8 इसका आंसर है। क्लियर है बच्चे, तो यहाँ तक तो आपको प्रोबेबिलिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर करवाए गए, जिससे कि आप कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन को समझ सकते हैं, दो डाइस समझ सकते हैं, 3 कॉइन समझ सकते हैं, 2 कॉइन समझ सकते हैं। अगर 4 कॉइन्स मैं टॉस करता हूँ तो कितनी पॉसिबिलिटीज बनेंगी, 1 में 2, नेक्स्ट में 2, नेक्स्ट में 2, नेक्स्ट में 2, सबको मल्टीप्लाई करो तो आपके पास में 16 पॉसिबिलिटीज बनेगी। क्लियर है बच्चे, तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई है। क्लियर है, अगर डाइस को 3 टाइम्स टॉस करता हूँ तो यहाँ पे 6 वहाँ 6 वहाँ 6 सबको मल्टीप्लाई कर दो तो 216 पॉसिबिलिटीज बनेंगी टोटल। तो इस तरीके से आपने अपने कुछ एक्सपीरियंस लिया, सीखा, फॉर्मूला समझ में आया। अब आपका एक अलग लेवल पे, आपके लेवल पे आपके एग्जाम ओरिएंटेड प्रोबेबिलिटी की क्लासेस अब आपकी वो जो है वो स्टार्ट होगी नेक्स्ट क्लासेस से। क्लियर है बच्चे, क्यू प्रोबेबिलिटी देखिएगा बच्चे, अगर मैं बात करता हूँ मेजरमेंट ऑफ सेंटर टेंडेंसीज, क्यूनेस, कर्टेसिस, तो ये तो बच्चे 2023 तक के क्वेश्चंस अपडेट मैंने किए हुए हैं आपके, अगर रिकॉर्डेड लेक्चर में देखोगे तो इसमें किसी प्रकार का कंटेंट में कोई कमी नहीं है, ऐसे बहुत हल्का ही आएगा, इस लेवल का नहीं आएगा जिस लेवल का मैंने डिस्कस करा है, और मैंने सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं पिछले 6 साल के क्वेश्चन पेपर डिस्कस किए हैं मैंने, अगर आप देखोगे तो डेट वाइज है उसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इवन कोरिलेशन रिग्रेशन भी मैंने किया हुआ है। तो एक जगह प्रोबेबिलिटी के कंटेंट में थोड़ा सा लग रहा था कि और भी इसमें अच्छा और बेटर करने के इस पे है, तो वो इसलिए प्रोबेबिलिटी क्लासेस को मैं लाइव लेकर करके और अच्छे से तसल्लीपूर्वक इसको पढ़ा रहा हूँ। मिलते हैं बच्चे फिर नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।